पहले बता दिया, रिकॉर्डिंग जो मिलेंगी 1 हफ्ते बाद ही मिलेंगी, ठीक है? उससे पहले मेरे से कोई रिकॉर्डिंग नहीं मांगेगा, समझ में आ गई बात? सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बट 1 हफ्ते बाद ही दूंगा मैं रिकॉर्डिंग, उससे पहले नहीं, ठीक है? सुनिए मेरी बात को ढंग से ना, पूरा मैक्रो का बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है? दोबारा से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, ठीक है? जो करा वो भूल गए, बात खत्म, अब आगे चल, ठीक? मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि आज क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, मैक्रो ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैक्रो की बात करिए तो आपको पता होना चाहिए मैक्रो के अंदर कितने यूनिट्स हैं, कोई बताएगा मुझे? अगर मैक्रो की बात करी जाए तो मैक्रो के अंदर यूनिट पहली बताओ कौन सी थी, जल्दी, पहली, फर्स्ट। अब तो आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी, पहली बताओ भाई, फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट नेशनल इनकम। दूसरी कौन सी थी, जल्दी बताओ? मनी एंड बैंकिंग, ठीक है? कौन सी थी? मनी एंड बैंकिंग। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड होती है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, क्या हो, जल्दी बताओ? इनकम डिटर्मिनेशन एंड, उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट बजट, ठीक है? उसके बाद आता था हमारा क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? मुझे बताते जाना क्या क्या हटाता जाऊं यहाँ से, जल्दी बताओ क्या क्या हटाओ? मनी एंड बैंकिंग हटा दूं, ठीक है, और क्या हटाऊं? गवर्नमेंट बजट हटा दूं और बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी दो यूनिट बची हैं, ठीक है? दैट इज नेशनल इनकम एंड इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीपल, दोनों बहुत बड़ी बड़ी, समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने ऑलरेडी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने नेशनल इनकम अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा करूंगा, काफी टाइम है, समझ में आ गई बात? ठीक, बट आज मैं कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ जरा बताओ? यूनिट नंबर 3, दैट इज व्हाट, इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। अब बात समझ में आई, ठीक है? क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? यानी मैक्रो में दो यूनिट बची है अब, ठीक है? नाम बताओ, इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर, और एक कौन सी है, नेशनल इनकम। क्या नेशनल इनकम हमारी हो चुकी है? कुछ स्टूडेंट्स की हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई बिल्कुल टेंशन नहीं, फ्रेश कराऊंगा एकदम दोबारा से, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं, लिखो जल्दी से आई डालो ऊपर, इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। एक्स्ट्रा पेन लो किसी के पास तो आर्यन को दे देना, एक्स्ट्रा पेन हो तो आर्यन को दे दो भाई, ये वैसे भी पेन नहीं लाता। ठीक है, ठीक। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, लिखो जरा, लिखो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एडी। देखो कैसे, कैपिटल एडी, कैपिटल एडी, ठीक है? लिखो डेफिनेशन, लिखो, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड, डिमांडेड इन एन इकोनॉमी, डिमांडेड इन एन इकोनॉमी, डिमांडेड इन एन इकोनॉमी, लिखो, एट अ गिवन प्राइस लेवल, एट अ गिवन प्राइस लेवल, फुल स्टॉप। ठीक है, जरा ढंग से सुनना मेरी बात, दोबारा बताओ जल्दी से, यूनिट सबकी आवाज आनी चाहिए, यूनिट कौन सी स्टार्ट करिए, इनकम डिटर्मिनेशन एंड, भारत का आवाज आनी चाहिए दोबारा, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है ना? अब मैंने पहली बोल दी यूनिट थोड़ी बड़ी है, ठीक है, मैं ज्यादा जल्दी नहीं चलने वाला, ठीक है, और ना ज्यादा स्लो चलूंगा, जितना पेस मेंटेन करना चाहिए उतना पेस मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है? सबसे पहला टॉपिक मुझे नाम बताओ, टॉपिक का क्या है, एग्रीगेट डिमांड, क्या है, एग्रीगेट डिमांड। अब याद करो 11th क्लास, मुझे बताओ क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था, मैं नहीं पूछ रहा क्या आता क्या नहीं, तो बस इतना बताओ चैप्टर पढ़ा था, है ना? तो डिमांड का मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना? अगर आप क्या पढ़ने जा रहे हो मुझे बताओ, एग्रीगेट डिमांड, तो आपको पहले क्या मतलब पता होना चाहिए, डिमांड, व्हाट इज डिमांड, जरा सुन लेना, डिमांड इट इज एन एबिलिटी एंड डिजायर टू हैव अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? ये मैंने क्या बताया, ये मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन बताई, कोई बात नहीं, आपके हाथ में अगर पैसे हैं, ठीक है, और आपको किसी चीज की क्या है, नीड, तो पैसे खर्चा करो, सामान लियो, ये क्या होती है, डिमांड होती है, इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ इसी छोटे से टॉपिक को मैं बड़ा करके अपने इकोनॉमी के ऊपर ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं, इकोनॉमी के ऊपर। पहले मुझे बताओ हम बुक कौन सी पढ़ रहे हैं, मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ बात करेंगे पूरी इकोनॉमी की, पूरे इंडिया की, समझ में आ गया, पूरे नेशन की बात करेंगे, दिस इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो क्या होती थी, एक सिंगल कंज्यूमर की बात करते थे, एक प्रोड्यूसर की बात करते थे, एक मार्केट की बात करते, बट मैक्रो के अंदर हमेशा हम किसकी बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की, किसकी बात करते हैं,
तो इनकम की भी बात करते हैं तो कौन सी इनकम होती है वो? नेशनल इनकम। कौन सी इनकम होती है? तो किसकी बात करते हैं? पूरे नेशन की। तो यहां अगर डिमांड की बात करूंगा तो कौन सी डिमांड है? पूरे नेशन की डिमांड। किसकी डिमांड है? नेशन। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब ही है, एग्रीगेट का मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करी गई सबको ऐड कर दो, क्या निकल के आ जाएगी बताओ? एग्रीगेट डिमांड। तो मैंने क्या लिखा? यही तो लिखा, इट इज दी, बोलो, इट इज दी टोटल वॉल्यूम ऑफ डिमांडेड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल। मेरी बात को ढंग से समझना। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ गुड्स की डिमांड होती है, सर्विसेज की डिमांड नहीं होती क्या? इस टाइम मैं क्या दे रहा हूँ आपको? सर, आप सर्विस की तो डिमांड कर रहे हो, मैं कोई सामान थोड़ी बेच रहा हूँ, कोई गुड्स सेल कर रहा हूँ आपको, नहीं ना? आप क्या रिसीव कर रहे हो मेरे से? सर्विसेज। तो गुड्स के अलावा हमें क्या लेना है? सर्विसेज भी। तो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ, आवाज नहीं आ रही, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ डिमांडेड इन एन एट अ, दोबारा से, इट इज द, आवाज नहीं आ रही, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस लेवल। कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक सबको समझ में आ गया? नीचे लिखो, बुलेट पॉइंट बनाना, लिखो एडी। एडी का मतलब एडी इन टू सेक्टर, टू सेक्टर इकोनॉमी। एडी इन टू सेक्टर इकोनॉमी, नीचे लिखो एडी इज इक्वल्स टू, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, AD is equals to C plus I. नीचे लिखो where C is equals to, लिखो consumption expenditure, consumption expenditure, और I लिखो, कोई बताएगा what is I? Investment, investment expenditure. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है? बुलेट पॉइंट चेंज, लिखते रहो जल्दी से, उसके बाद लिखो एडी इन, एडी इन थ्री सेक्टर, एडी इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, एडी इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। नीचे लिखो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है? नीचे लिखो वेयर, वेयर, जिसको समझ नहीं है सामने देखते रहना, लिख रहा हूं मैं सारी चीजें, ठीक है? वेयर, अच्छा एक बात बताओ, वेयर सी और आई तो सेम है ऊपर वाला, ठीक है, सिर्फ जी लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? लिखो जी इज इक्वल्स टू, जी इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है? लास्ट और लिखो जल्दी से, बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो एग्रीगेट डिमांड एडी इन फोर सेक्टर, एडी इन फोर सेक्टर इकोनॉमी, एडी इन फोर सेक्टर इकोनॉमी। नीचे लिखो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में लिखना आगे एक्स माइनस एम, ऐसे सामने लिख लेना, ठीक है? एक्स माइनस एम। नीचे लिखो वेयर, वेयर एक्स माइनस एम, ऊपर के तीनों तो लिखे रखे हैं इसलिए दोबारा से नहीं लिख रहा, ठीक है? एक्स माइनस एम इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट्स, नेट, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है? अब जरा ढंग से सुनना मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आज ये बताओ, आज चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना, नाम बताओ पहले, इनकम डिटरमिनेशन एंड, सबको पता है ना बुक कौन सी चल रही है? मैक्रो। कौन सी चल रही है? मैक्रो। और मैक्रो के अंदर भी इनकम डिटरमिनेशन मल्टीप्लायर के अंदर टॉपिक स्टार्ट करा है एग्रीगेट डिमांड। क्या? एग्रीगेट डिमांड। सबको डेफिनेशन याद होगा, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ डिमांडेड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। हमें समझ में भी आ गया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक टाइम पे जितने गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करे जा रहे हैं सबको एग्रीगेट मतलब सम कर दिया जाए तो क्या निकल के आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड निकल के आ जाएगी। बस अब है वही देखना है कि बेटा कहाँ कहाँ पे वो क्या करे जा रहे हैं, खर्चे करे जा रहे हैं। अच्छा खर्चा करोगे तभी तो क्या होता है बताओ? डिमांड होती है।
आप अगर खर्चा करते हो, आप मेरे को फीस पे करते हो, आपका क्या है मुझे बताओ? खर्चा, तभी तो डिमांड होती है मेरी सर्विस की। यानी मैं यहाँ पे किसको देखूंगा? खर्चों को किसको देखूंगा? अगर मेरे को डिमांड निकालनी तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर ढूंढूंगा। क्या ढूंढूंगा? एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात? अब मेरे को देखना इंडिया के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर कहाँ कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, हमारी इकोनॉमी के अंदर चार सेक्टर्स हैं। क्या है? चार सेक्टर जहां पे एक्सपेंडिचर्स इनकर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू बी इनकर्ड। ठीक है, चार सेक्टर है। पहला है हाउस होल्ड्स, हम लोग। ठीक है ना, हम लोग जनरली जो खर्चा करते हैं वो किस लिए करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। आप फीस पे कर रहे हो, आपका क्या है वो? खर्चा। मेरी सर्विसेज क्या कर रहे हो? कंज्यूम। क्या कर रहे हो? कंज्यूम। ठीक है, स्कूटी से यहाँ पे आते हो पेट्रोल डलवा के, है ना, तो वो भी क्या कर रहे हो आप? कंज्यूम। ठीक है, तो आपके जितने खर्चे हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं पहले बोलो? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। अब बोलो भैया बहुत लंबा नाम हो गया है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपो शॉर्ट में है क्या? तो सिर्फ क्या बोल सकते हो? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोल सकते हो? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो पहला खर्चा कौन करता है बताओ इकोनॉमी के अंदर? हाउस होल्ड। कौन करता है? जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्या बोलते हैं तो? कंजम्पशन। दूसरा खर्चा कहाँ होता है? दूसरा खर्चा करती है फर्म्स। क्या करती है? फर्म्स। अब फर्म्स कौन होती है? फर्म्स बेटा कोई भी जो बिजनेस कर रहा है। क्या मैं फर्म हूं? मैं क्यों फर्म नहीं हूं? मैं बिजनेस कर रहा हूं, नहीं कर रहा? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मैं जो अपने बिजनेस के लिए खर्चा करूंगा वो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। एक बार बताओ, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बहुत पहले बताई है, कभी जज करनी व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। जहां पे आपने पैसा खर्चा करा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? रिटर्न। मैंने बिजनेस पे पैसा खर्चा करा है, क्यों? क्या एक्सपेक्ट करता हूं मैं यहां से? रिटर्न, प्रॉफिट। तो ये क्या है मेरा? इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, दो खर्चे गिनवा दिए। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं ना, तो इसको बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? तो हमारी इकोनॉमी में चार सेक्टर है, बट मैं कभी भी पूछूं मुझे बताओ एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर, तो आप पहले किसका नाम लोगे? हाउस होल्ड का। किसका? वो कौन सा खर्चा करते हैं? जल्दी से बताओ सामने देख के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जल्दी बताओ? देखो ये सी। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आवाज नहीं आ रही, किसको रिप्रेजेंट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक तो मास्क लगा रखा, पता नहीं चलता कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। हटा दिया करो, सैनिटाइज में करवा दूंगा यहाँ पे, टेंशन नहीं। ठीक है, ना आके जा रो, ना आके चले जाना। और ज्यादा नहीं कर सकता, बट हटा दिया करो, पता तो चले कुछ क्या हो रहा है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ बेटा दूसरा खर्चा कौन करता है जल्दी बताओ? फर्म्स। और मैंने बताया फर्म्स कौन सा खर्चा करती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या करती है? तो मैं कभी पूछू बताओ मेरे को एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी, आप क्या बोलोगे? ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई। क्या बोलोगे? सी प्लस आई। ठीक है, ये दो सेक्टर। बट मैंने वैसे आपको कितने बोले, कितने सेक्टर है? चार। मान लो कभी मैं आपसे पूछता हूँ मेरे को एग्रीगेट डिमांड इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी बताओ, तो तीसरा सेक्टर कौन सा है? बेटा तीसरा सेक्टर है हमारी सरकार। ठीक है, रोड्स किसने बनवाई? हाउस होल्ड्स ने बनवाई है। क्या कंपनीज ने? रिलायंस वगैरह ने बनवाई है। खर्चा तो हो रहा है, बट रोड बनने में कौन कर रहा है खर्चा? यानी सरकार भी क्या कर रही है इकोनॉमी के अंदर? खर्चा कर रही है। तो सरकार जो खर्चा करती है उसको हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत बड़ा नाम है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में बताओ। सॉरी, इसका शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। क्या? दोबारा बताओ। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोबारा बताओ। गवर्नमेंट फाइनल। तो एडी इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। ठीक है, कितने सेक्टर हो गए? अब जरा ढंग से सुनना। ठीक, क्या हमारी कंट्री बहुत सारे ऐसे गुड जो हम इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर रहे? कहाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहे? कोई मेरे को एग्जांपल दे सकता है उसका? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या इंडिया में प्रोड्यूस? इंडिया उसका सबसे ज्यादा क्या करता है? इंपोर्ट करता है। तो वो हमने खर्चा करा है ना बाहर से मंगवाने में। समझ सुन रहे मेरी बात को? ठीक है, तो ये वाला जो सेक्टर ये खर्चा हो रहा है, ये तो फोर्थ सेक्टर निकल के आगे, क्योंकि खर्चा इंडिया में तो हो ही नहीं रहा। ये सेक्टर कहाँ खर्चा हो रहा है? बाहर। तो उसको वीडियो कंसिडर करना पड़ेगा, करेक्ट है? तो यानी मैं बोल सकता हूँ फोर्थ सेक्टर और है, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, आर ओ डब्ल्यू। इसके अंदर दो ट्रांजेक्शन आती हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो शॉर्ट इसका क्या? एक्सपोर्ट्स माइनस हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्या लेते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स, हाँ, एक्सपोर्ट मतलब जितना हमने बेचा, इंपोर्ट मतलब जितना हमने, दोनों के बीच का डिफरेंस। बात समझ में आ गई? तो कभी पूछूं एग्रीगेट डिमांड इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, आप क्या बोलोगे? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब, एम का मतलब पक्का पता है? एडी इन टू सेक्टर, वेरी गुड। एडी इन फोर सेक्टर,
एड इन थ्री सेक्टर, व्हाट इज जी, व्हाट इज आई, सी क्या है, पूरा नाम बताना इसका, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, इट इज दी डिमांडेड इन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल. चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, बुक कौन सी है, मैक्रो. ठीक है, आगे चलें. इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, लिखो एक डालो क्वेश्चन की फॉर्म में, लिखो बल्कि लिखो, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड. क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, लिखो, एंड व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट्स, एंड व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट्स, एंड व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट्स. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट्स. ठीक है भाई, अब जरा ढंग से सुनना बात को. ठीक है, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सबको याद हो गया है ना, इट इज द टोटल वॉल्यूम डिमांड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस, सबको याद हो गया, कोई इसमें बहुत डिफिकल्ट बात नहीं थी. ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है जरा बताना, कॉम्पोनेंट्स. अब ये कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या होता है, कॉम्पोनेंट्स का मतलब पार्ट्स, बताया ना, पहले बताया ना, एग्रीगेट डिमांड किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, चार चीजों से है ना, बताना जरा, पहली सी प्लस आई, तो यानी वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमें बताओ कि कहां पे खर्चे हो रहे हैं, है ना, तो यानी क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐसे क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स. अब बात समझ में आ गई, ठीक है, लिखना स्टार्ट करें आंसर, चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी. सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, मैं नहीं बताऊंगा, और ऊपर मत देखना बिल्कुल भी. पर मत देखना बिल्कुल भी. चैप्टर टेक्निकल है, पहली बता दूं, चैप्टर में नजर हटी दुर्घटना घटी, न्यूमेरिकल्स भी हैं. ठीक है, डेफिनेशन लिख दी, क्या लिख के आर्यन, इट इज दी आर्यन, आर्यन बेटा, आर्यन ये भी लिखवाया था, ये भी लिखवाया उसके अंदर, क्या डिमांडेड कहाँ गए, मेन वर्ड का, मेन वर्ड तो तुम खा गए, बताओ अनुराधा, वेरी गुड, समझ में आ गए, सबको याद है, आगे चले, नीचे एंड लिखो कंपोनेंट्स फास्ट. कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, देखो फर्स्ट कॉम्पोनेंट, फर्स्ट साइड ना लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, लिखो लिखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर directly depends upon the level of income, that is if income increases, consumption expenditure also increases. Consumption expenditure also increases. Vice versa. ठीक है? Bullet point change करो. Consumption expenditure is also
इज ऑल्सो नोन एज बताओ भाई, प्राइवेट फाइनल, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फुल स्टॉप। ठीक है, ठीक। चलो पहले तो थोड़ी सी बात समझ लेते, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, अभी तो मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि किस तरीके से आगे चैप्टर चलने वाला है। अभी तो पूरा पढ़ेंगे सी होता क्या है, पूरी इक्वेशन लेके आऊंगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल चलेंगे, समझ रहे मेरी बात को। अभी तो मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ, क्लू दे रहा हूँ कि भाई ये चैप्टर है, यहाँ पे आगे इस तरीके से चलना है। ठीक है, सुने मेरी बात को, मुझे बताओ एग्रीगेट डिमांड का पहला कॉम्पोनेंट क्या बताया मैंने, जल्दी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताना, सी से, इतनी बात ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम को किससे डिनोट करा जाता है, वेरी गुड, ठीक है, पता है सबको, नहीं पता, नहीं पता थी तो जान लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इनकम को किससे डिनोट करा जाता है, और कंजम्पशन को सी से, ठीक है, इनकम को आई से क्यों नहीं करा जाता, क्योंकि आई से इन्वेस्टमेंट, ऊपर बता के आया हूं, समझ में आ गई बात, इस वजह से। ठीक, अब मैं कह रहा हूं बेटा, ये जो सी दिख रहा है आपको, सी, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दी लेवल ऑफ इनकम, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, लेवल ऑफ इनकम। अब बच्चे पूछेंगे भैया इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली डिपेंड करता है इनकम पे, इसका मतलब है कि बेटा अगर इकोनॉमी के अंदर इनकम इंक्रीज होगी तो बताओ भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, इनकम बढ़ती है तो खर्चे बढ़ते हैं, ऐसी इनकम अगर डिक्रीज होगी तो लेवल ऑफ कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम। यानी इनकम और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, कैसा है, डायरेक्ट। तो देखो मैंने क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ, दैट इज इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस वाइस वर्सा, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पे इतना ही लिखना है इसको। ठीक है, आगे चले, सबको बात समझ में आ गई क्या लिखवाया है मैंने। ठीक, नेक्स्ट बताओ, सेकंड, जल्दी से, वेरी गुड, लिखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बुलेट पॉइंट चेंज, लिखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर is incurred by firms in the economy, by firms in the economy by firms in the economy, full stop, bullet point change karo, likho इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी ऑफ टू टाइप्स दैट इज induced investment and autonomous investment. ठीक है, bullet point change, लिखो if investment depends upon the level of income, then it is induced investment. Full stop, bullet point change, likho if investment does not depends upon
अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, अपॉन द लेवल ऑफ इनकम then it is known as autonomous. Then it is known as autonomous investments. Full stop. ठीक है भाई, सुनो मेरी बात तो जल्दी से. हाँ भाई, सेकेंड कॉम्पोनेंट बताओ एग्रीगेट डिमांड का फास्ट. इन्वेस्टमेंट पहला कौन सा था? वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे. लेवल ऑफ इनकम, इफ लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस देन, इफ लेवल ऑफ इनकम डिक्रीजेस देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीज. उसका एक नाम, दूसरा नाम क्या है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कौन करता है इनकर? फर्म्स. कौन करता है? फर्म्स का मतलब जो इकोनॉमी के अंदर क्या कर रहे हैं? बिजनेस. क्या कर रहे हैं? बिजनेस. तो इसको कौन इनकर करता है? फर्म्स. जरा ढंग से सुनना. अब इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली डिपेंड करती है रेट ऑफ रिटर्न पे. किस पे? रेट ऑफ रिटर्न. बट हम हमेशा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इनकम से रिलेट करेंगे. क्यों कर रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा बात. ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंडेंट है, क्या बोला मैंने? अगर इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंडेंट है, यानी इनकम के इंक्रीज होने पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, इनकम के डिक्रीज होने पे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है. किस पे डिपेंडेंट है यानी इन्वेस्टमेंट? इनकम पे. तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को आज से हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड. क्या बोलेंगे? अब ये हो कैसे रहा है? ये बात की बात है, पहले भी याद तो करो वाली बात है ना. मैं बोल रहा हूं अगर इनकम के इंक्रीज होने पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, इनकम के डिक्रीज होने पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, यानी इफ इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ इनकम देन सच इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं उसको? इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड का मतलब ही होता है अफेक्ट होना. ये किससे अफेक्ट हो रही है? इनकम से, इनकम के चेंज होने पे. बट ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट ना होना. ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट. वो इन्वेस्टमेंट जो किस पे डिपेंड नहीं करती लेवल ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस. क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस. तो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट पढ़नी है, एक इंड्यूस्ड और एक ऑटोनॉमस. इतनी बात समझ में आ गई? दो कॉम्पोनेंट हो गए, पहला और दूसरा इन्वेस्टमेंट. तीसरे बार जल्दी से लिखो, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखो, GFCE, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is incurred by government और public sector भी बोल सकते हैं. ठीक है, और public sector. ठीक है, bullet point change करो, लिखो government do both investment as well as consumption expenditure. बस इसके अंदर इतना लिखना और कुछ नहीं. सुनो मेरी बात. So look, for example, construction of roads. ठीक है, अब थर्ड आया, बता जल्दी से फास्ट. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आवाज आनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्लियर है कौन इनकर करता है, जो कौन खर्चा करता है? सरकार, जिसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है, अब एक छोटी सी बात इसके अंदर ध्यान रखनी, सरकार दोनों टाइप के खर्चे करती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी और कंजम्पशन. दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? ना ना ना, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? फर्म्स करते. चलो ठीक है, करेक्ट है. अच्छा एक बात बताओ, मैंने मेरे पास 100 रुपीज आए. ठीक है, 100 रुपीज मैं गया मार्केट में, मैंने कुछ खा पी लिया, मैं गया कवि नगर वगैरह, उड़ा दिए 100 रुपीज. ठीक है,
और उन्हीं 100 रुपीज को मैं बैंक में भी रख सकता था, हो सकता है मैं सेव कर देता। जो मैंने जाके उड़ाए हैं खाने पीने में, वो क्या था, क्या था वो? और वो जो मैंने बैंक में रख दिए इन्वेस्टमेंट, मेरे पास से तो चले गए, मेरे तो खर्चा ही माना जाएगा, मेरे पास से चले गए, ठीक है। बट वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे आप हमेशा क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रिटर्न। कंजम्पशन पे कोई रिटर्न नहीं आता, ये हमेशा ध्यान रखना। सरकार दोनों टाइप खर्चे करती है, सरकार कंजम्पशन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है। समझ में आ गई भाई, सरकार भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, रिटर्न एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। ध्यान रखना, आगे पूछूंगा सारी बातें, अभी थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ बस, ठीक है। तीन कॉम्पोनेंट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, लास्ट पे आ जाओ फिर जल्दी से। बोलो भाई लास्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स लिखो। नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस, नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस ऑफ ऑफ बताओ भाई, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। That is difference between residents selling goods and services to non-residents, ठीक है, and residents purchasing goods and services, goods and services from non-residents, ठीक है। अब मेरी बात को ढंग से सुनना, लास्ट कंपोनेंट क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। और हमें पता है नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, सिंपल सी बात है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है, NE लिख रहा हूँ, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में अगर हम क्या माइनस कर दे, इंपोर्ट्स, ये बात हमें पता है पहले से ही, ठीक है ना। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। तो ये होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब कि जो रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स मतलब हम लोग बेच रहे हैं किसको, नॉन रेजिडेंट्स को, ठीक है, वो हमसे खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या माना जाएगा, ये एक्सपोर्ट्स, क्या माना जाएगा हमारा, एक्सपोर्ट्स, बाद में बात करूं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहां से बाहर बेच रहे हैं, दैट इज ये क्या है, एक्सपोर्ट्स। अच्छा, हम लोग ही रेजिडेंट्स अगर परचेज करें नॉन रेजिडेंट से, तो क्या माना जाएगा, तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। कहां कौन सेक्टर में होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ध्यान रखना ये चार कंपोनेंट। अब मेरी बात को ढंग सुनो, ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, इसी तरीके से पूछा गया, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखवाया है, मैंने चीजें एक्सप्लेन नहीं करी है, क्या करा है मैंने बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का सिर्फ क्या लिखवाया है, आंसर, और मैंने ये एक्सप्लेन नहीं करा, एक्सप्लेन तो बाद में करूंगा किसी चीज को डिटेल में, ठीक है। मुझे बताओ दोबारा, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड डिमांडेड इन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल। टू सेक्टर सी प्लस आई, थ्री सेक्टर सी प्लस आई प्लस जी, फोर सेक्टर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, ठीक है, ध्यान रखना, विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, इफ लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज, if level of income decreases then consumption expenditure also decreases. दूसरा बताओ, invest incurred by firms, ठीक है ना, ये भी कितने टाइप का है, invest induced and autonomous. If investment depends upon the level of income, does not independent of the level of income, autonomous. समझ में आ गई बात। तीसरा, government final consumption, ठीक है, इसको सरकार करती है, दैट इज गवर्नमेंट करती है, पब्लिक सेक्टर करता है, सरकार दोनों टाइप के खर्चे करती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो मेन मेन बात है वो ध्यान रखनी है,
उसके बाद बात करते हैं लास्ट, दैट इज नेट. तो इट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, दैट इज रेजिडेंट्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू दी एंड रेजिडेंट्स परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी नॉन, दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस. तो ये सिर्फ क्या लिखा है अभी हमने बताओ भाई, आंसर क्या लिखा है, नीचे आई ना लो जल्दी से बिना रुके, रुकना तो है ही नहीं, रुकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. लिखो भाई, एग्रीगेट अब जब भी आपकी एक भी क्लास मिस हुई, एक भी क्लास मिस हुई बहुत मेजर लॉस हो गया. रिकॉर्डिंग हमेशा ध्यान रखना, उसकी एक हफ्ते बाद दूंगा, आज जैसे हुई रिकॉर्डिंग, ठीक है ये रिकॉर्ड हो रहा सारा, ठीक है एक हफ्ते बाद मिलेगी, तो मेजर लॉस है पहले बता दिया मैंने आपको. तो आप अब थोड़ा रेगुलर रहो, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट कराना है सिलेबस, इतना ज्यादा सिलेबस बच्चा नहीं है, ठीक है. तो 2.5 महीने इस तरीके चलते रहेंगे आराम से, 2.5 महीने के अंदर दोबारा से नेशनल इनकम इंक्लूड कर रहा हूँ आराम से, बिल्कुल पूरा उसके अंदर, ठीक है वो, और इंडियन इकोनॉमी जो हमारी बची है, ठीक है आराम से 2.5 महीने के अंदर कवर अप हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप छुट्टी ना मारो, ठीक है. लिखो एग्रीगेट सप्लाई, पहले भी हमने क्या पढ़ा, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई, इतनी बात समझ में आई. तो एग्रीगेट डिमांड को हम क्या बोलते थे, एडी, क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है. लिखो, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ, बताओ भाई आगे, वेरी गुड, गुड्स के साथ हमेशा आप कभी नहीं बोलोगे, आपको क्या लगाना है, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. प्रोड्यूस्ड, वहां क्या था ऊपर, डिमांडेड, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रोड्यूस्ड, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन, हाँ इन एन इकोनॉमी एट अ, वेरी गुड, एट अ गिवन प्राइस लेवल, फुल स्टॉप, ठीक है. बुलेट पॉइंट चेंज लिखो, एग्रीगेट सप्लाई दैट इज AS इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम, यही नेशनल इनकम भी होती है, ध्यान रखना, पहली बता दी बात, बाद में कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है. बुलेट पॉइंट चेंज, देयरफोर AS इज इक्वल्स टू, देखो तो सामने Y, देयरफोर AS इज इक्वल्स टू Y, ठीक है. अब मेरी बात को जरा ढंग से सुनो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गई, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड, नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, सप्लाइड नहीं बोल रहा, वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर प्रोड्यूस होगी तो एक अजम्पशन हम मान लेते हैं कि सप्लाई भी हो गई होगी, ठीक है. मैं कह रहा हूँ बेटा, हमारी इकोनॉमी के अंदर एक गिवन टाइम पीरियड पे एक सर्टेन प्राइस पे जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, प्रोडक्शन, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जितना भी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस, ठीक है. सारा का सारा क्या बताओ, एग्रीगेट सप्लाई, क्या है वो, एग्रीगेट सप्लाई, याद करो नेशनल इनकम वही तो GDP भी होता है, प्रोडक्शन वही तो GDP होता है, उसी से क्या निकालते थे हम नेशनल इनकम. तो एक तरीके से आपके लिए एग्रीगेट सप्लाई हमारे लिए क्या है, नेशनल इनकम. इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ आगे जाके, भैया आपने AS लिखा था, अब आपने Y लिख दिया, ठीक है, बाद में मेरे से मत बोलना, इसलिए सारी चीजें एक एक चीज क्लियर करके चल रहा हूँ. AS और Y तो सेम ही तो है, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज GDP, तो आप क्या बोलते, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ गई बात. तो एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम सेम थिंग, ध्यान रखना, ठीक है. मेरा क्वेश्चन आपसे, ठीक, जैसे AD क्या होता है, बताओ भाई AD क्या होता है, इन टू सेक्टर. अच्छा एक छोटी सी बात और बता दूं, एक खुशखबरी दे दूं आपको, ठीक है. देखो पहले खुश होने लगे, खबर आई भी नहीं, खुश हो गए पीछे वाले. मैं बोल रहा हूँ आपको, अच्छा कितने मैंने मॉडल पढ़ा है, 2 सेक्टर 3 सेक्टर और आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, 2 सेक्टर. तो अब आगे जितना ही पढ़ाऊंगा वो किस पे बेस्ड होगा, मान लो 3 सेक्टर और 4 सेक्टर अगर और होते ना, तो जितना आप 2 सेक्टर में पढ़ोगे उतना ही 3 में पढ़ते, उतना ही 4 में पढ़ते, ठीक है. और वो कौन पढ़ता है, ICSE बोर्ड वाले, आप नहीं पढ़ते, ठीक है.
उस बेचारे के सारे सारा सारा सिलेबस पढ़ते हैं। आप सिर्फ क्या पढ़ते हैं, टू सेक्टर, वो पूरे फोर सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, जल्दी बताओ। खुश हो गए, आगे चले। ठीक, मैं कह रहा हूं मुझे याद करके बताओ, जब मैंने क्या बताया था, ए डी इज इक्वल्स टू, बताओ क्या था। अब ना यही तो गलती करोगे, अब मैं कभी पूछू ए डी इज इक्वल्स टू तो क्या बोलोगे, वाई, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या सर है। अब गलती तो नहीं करोगे, तो कभी मेरे से अब नहीं बोलोगे ए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। बट अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, तो उसमें चारों लिखोगे। समझ में आ गई बात, वहां पे कहीं दो लिख के बोलो नहीं मैम हमारे सिलेबस में तो सिर्फ टू सेक्टर मॉडल है, वहां इस मैंने चारों लिखवा।